नमस्ते मैं कल्पना रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं हरे टमाटर की सब्जी लाल टमाटर की सब्जी तो आप हमेशा खाते हैं तो चलिए आज बनाते हैं हरे टमाटर की सब्ज़ी हरे टमाटर की सब्जी बनाने के लिए हमने ये हरे टमाटर ले लिए हैं और ये कच्चे टमाटर हैं तो सबसे पहले हमें इन्हें कट करना है आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं तो अभी सबसे पहले हम इन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से हमें कट करना है इसको पहले तो हम लंबा लंबा कट कर लेंगे फिर इसको दो टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसका ये वाला पार्ट हम हटा देंगे थोड़ा सा तो इसी तरीके से हम सारे टमाटर को कट कर लेंगे टमाटर हमने कट कर लिए हैं और हमने सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर ली है तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे तो हमने डेढ़ मीरिया तेल डाला है आप एक बड़ा चम्मच तेल डाल सकते हैं और तेल गल का गर्म हो जाए उसके बाद हमें डालना है इसमें आधा चम्मच जीरा और इसके बाद डालना है आधी चम्मच सौंफ़ टमाटर में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए स्किप ना करें और उसके बाद दो तो तेज़पत्ता एक लौंग और चार से पांच काली मिर्च डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके बाद हमने आधा चम्मच धनिया डाला है दरदरा किया हुआ और उसके बाद एक कटोरी कटे हुए प्याज वो हम डाल देंगे इसके अंदर और प्याज को हल्का भूनना है हमें तो थोड़ा सा इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हम भून लेते हैं और इसके बाद हमें डालना है दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई तो आप इसे भी चला लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च पक जाए उसके बाद हमें डालना है लहसुन तो लहसुन कुटा हुआ लहसुन है वो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज के बाद ही हमें लहसुन डालना चाहिए क्योंकि लहसुन पहले डाल देते हैं तो जल जाता है और इसके बाद मसाले डालेंगे तो हमने इसके अंदर दो चम्मच लाल मिर्च डाल दी है टमाटर की खटाई वाली सब्जी है इसलिए हमें इसके अंदर लाल मिर्च अच्छे से ही डालनी है आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसके अंदर एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे उसके बाद हमें इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार अब इसमें मसालों को अच्छे से पकाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और मसाले इसमें अच्छे से पक जाए अच्छे से मिला लेंगे और गैस को हमें मीडियम ही रखना है मसाले पकाने के लिए और बीच बीच में इसे छोड़ देना है और चलाते रहना है मसाले हमारे अच्छे से पक जाए तो आप देख सकते हैं इसे पाँच मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया है और इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो अब इसमें हमें डालना है टमाटर तो सारे टमाटर जो हमने कट किए हैं वो सारे इसमें डाल लेंगे तो वैसे तो टमाटरों में पानी निकल आता है परंतु इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है तो थोड़ा सा पानी हमें इसके अंदर डालना है तो टमाटर को पकने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे प्लेट कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए तो बीच बीच में हमें इसे चेक भी कर लेना है तो हम इसे हिला लेंगे और फिर से प्लेट से कवर कर देंगे तो ये टमाटर की सब्ज़ी है बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो 10 मिनट में टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो अब टमाटर की सब्ज़ी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसमें डालना है दो छोटी चम्मच चीनी हाँ चीनी से बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी टमाटर की सब्ज़ी और चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसमें लास्ट में इसमें डालना है हरा धनिया तो बस हरे टमाटर की सब्ज़ी तैयार है और बहुत ही यम्मी दिख रही है तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और अब टमाटर की सब्ज़ी हम सर्व करेंगे तो आप भी इस तरीके से टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव रसोई संसार पर जरूर कमेंट्स करें वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बाय